केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हवाला ऑपरेटर्स के जरिए चुनाव लड़ रही है के आरोप पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर स्मृति ईरानी के पास कोई जानकारी या सबूत है तो वे इसे सबके सामने क्यों नहीं पेश कर रही, वह आरोप क्यों लगा रही है। उसके पास जानकारी है लेकिन वह इसे प्रकाश में नहीं ला रही है। क्या वह भी इसमें एक पक्ष है। वह ईडी है जिसके अधिकारियों के घरों में भारी मात्रा में पैसा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा होगा। ये अप्रत्याशित नहीं है। जब वे चुनाव हारने वाले हैं तो ये बातें सामने ला रहे हैं। यहाँ तक कि ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में भी कोई तथ्य नहीं है। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते, आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? ये आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था बोफोर्स के मामले में, जिस बोफोर्स तोप ने कारगिल के युद्ध में देश के मान सम्मान को बचाया था, सीमा की रक्षा की थी। और उस आरोप में मिस्टर क्लीन जाने जाने वाले राजीव जी के छवि पे विपरीत घात करने की इन लोगों ने भरसक कोशिश की। और ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये है आरोप की राजनीति। उसके बाद इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था 1,84,000 करोड़ का कोयला स्कैम, 1,30,000 करोड़ का 3G स्कैम। 9.5 साल इनको हो गए शासन में, केंद्र की सरकार में, कोई भी कार्रवाई हुई? कोई तथ्य सामने आया? कोई भी बात आई? सिर्फ खोखला आरोप। और वो सरकार की छवि को प्रभावित करने में सीधी साधी भोली भाली जनता के सामने में कभी कभी सफलता हासिल कर लेते हैं। वही कोशिश है यहां कर रहे हैं। कौन सा सबूत उनके पास है और कैसी ईडी? वही ईडी है जिनके अधिकारियों के यहां नगद नोट पकड़ा रहे हैं। आप ही लोग दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि इतने इतने लाख रुपए ईडी के अधिकारियों के यहां से निकल रहे हैं। और उस ईडी का इस्तेमाल करके ये आरोप लगा के प्रभाव डालना चाहते हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ उसके पहले ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का अधिवेशन प्रभावित हो जाए। ठीक, चुनाव के पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि यही होगा, कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसका हमको पूरा अनुमान नहीं था कि ये ऐसे ही चाल चलेंगे कि जब चुनाव हार रहे हैं इस प्रकार की बात को लाओ। कहीं आपको जानकारी है, कभी कोई कहेगा कि कार्रवाई मत करो? जिसके घर में पैसा पकड़ाया है वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है उसके घर में आपको एक नया पैसा मिला? उसके तक पहुंचने वाले एक नए पैसे की बात हुई? आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल की बात की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल वहां तक पहुंच नहीं रहा है, कहीं आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब आपने 508 करोड़ रुपए की बात कर दी, एक नया पैसा किसी के घर में पहुंचा है, आपके पास कोई सबूत है क्या? मात्र आपने एक एलिगेशन लगा दिया और एक माहौल बनाने की कोशिश की। और ईडी का जो प्रेस रिलीज है उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें कोई तथ्य नहीं लिखा है, बस एक माहौल बनाने के लिए। तो ऐसी राजनीति से बुरी कोई राजनीति नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो ऑपरेशन लोटस करते हैं, देश में चुनी हुई सरकारों को किस बल पे गिराते हैं, किस तरीके से गिराते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।